हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश बुधवार को जयपुर पहुंच गया है। राजस्थान में उनके अस्थि कलश का 3 स्थानों पर विसर्जन किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश बुधवार दोपहर हवाई मार्ग से जयपुर लाया गया। ये अस्थि कलश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी विशेष विमान से जयपुर लेकर आए। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश माथुर समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता, राज्य सरकार में मंत्री, पार्टी के सांसदों और विधायकों समेत पार्टी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में अटल जी की अस्थियां 3 जगह विसर्जित की जाएंगी। एयरपोर्ट पर जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी आपका नाम रहेगा और अटल जी अमर रहे जैसे नारों से समूचा एयरपोर्ट गुंजायमान हो गया। जयपुर एयरपोर्ट से ही वाजपेयी की अस्थियां कलश यात्रा के रूप में रवाना हुई, जिसमें देखते ही देखते भारी भीड़ जुटने लगी। घंटों पहले से ही भाजपा के नेता और पार्षद एयरपोर्ट पहुंचने लगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत भाजपा के तमाम नेता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक जगह जगह अस्थि कलश पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के लोग पुष्प अर्पित करते रहे। अस्थि कलश एयरपोर्ट से क्लार्क्स आमेर, सांसद मार्ग, दुर्गापुरा पुलिया, टॉक रोड, लक्ष्मी मंदिर, सहकार मार्ग होते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय ले जाया गया। अस्थि कलश विसर्जन के लिए 23 अगस्त को भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुबह 9 बजे सड़क मार्ग से राज्य के 3 स्थानों के लिए रवानगी की जाएगी। अस्थियों का विसर्जन चंबल नदी कोटा, पुष्कर सरोवर अजमेर, बेणेश्वर धाम में किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय से सुबह 9 बजे कोटा के सांसद ओम बिरला अस्थि कलश लेकर कोटा के लिए रवाना होंगे। वहीं सामाजिक एवं न्याय तथा अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी अस्थि कलश लेकर पुष्कर जाएंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया अस्थि कलश लेकर बेणेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे। विसर्जन के समय गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी उपस्थित रहेंगे। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।